अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आज हम बात करेंगे, एक तो ब्रिक्स पे बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि एक बार फिर जो है वो इमरान खान के रिहाई के लिए जो है वो अमेरिका तक से आवाजें उठ रही हैं, वो क्या है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ब्रिक्स की बात करें, जिसमें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी तकरीबन 5 साल के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई है और ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ भी वो मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें वहां दिखाई नहीं दे रहा। अब उस पर बहुत से पाकिस्तानी शायद नाराज हो जाएंगे कि जी हम ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उन चीजों को भी देखना चाहिए जिसकी कमी की वजह से पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स या इस तरह की समिट का हिस्सा नहीं बन पा रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप ये देखिए कि इथियोपिया जैसा मुल्क, यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें के कहत रहा है इस मुल्क में और गुर्बत है इतनी, और अब तो खैर वो काफी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इथियोपिया को भी एडमिट कर लिया गया है ब्रिक्स में। वो अब इथियोपिया भी शामिल है उसमें, नए जो मेंबर्स हैं उनमें यूएई भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें ईरान भी है, यानी ब्रिक्स प्लस हो गया है अब वो। ओरिजिनली ये इसमें ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया था और चाइना था और साउथ अफ्रीका था, 5 मुल्क थे, लेकिन अब इसमें और मुल्क भी शामिल हो गए हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इस वक्त आप देखिए कि किसी भी लिहाज से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इंटरनेशनली या मल्टीलैटरली कुछ सब्सटेंशली कंट्रीब्यूट कर सके, तो आपकी इकोनॉमिक पावर होती है जो डिटरमिन करती है कि आपको कितनी अहमियत दी जाएगी। अब अगर आप खुद IMF से कर्जे ले रहे हैं और सऊदीया और यूएई के जो कर्जे हैं उनके रोल ओवर के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपकी अहमियत बहुत कम हो जाती है इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर। और वही हुआ है, इन्होंने अप्लाई किया था। फिर ये है कि आपने जो पावरफुल वहाँ मेंबर्स हैं जिनके पास एक तरह की वीटो पावर है, जो जिनके कंसेंसस से किसी को शामिल किया जाता है ब्रिक्स में, वहाँ पे आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, और रिपोर्टेडली इंडिया का भी इसमें एक रोल कहा जा रहा है कि है, जो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया के साथ अपने तल्लकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम मल्टीलैटरल फोरम्स पे जाके अपने आप को शामिल करवाने की बात करें, क्योंकि इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल है इस वक्त, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है उनका। तो अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने अपना एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, लेकिन वैसे भी अगर इंडिया ना भी करता तो मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तान की शमूलियत को इतनी कोई अहम नहीं थी उन मुल्कों के नज़दीक कि वो पाकिस्तान को शामिल करते। जी आरजू। सर, पाकिस्तान तो ये उम्मीद लगा के बैठा था, जो हम देख रहे थे सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर जो खबरें थी, कि हमें ये ख्याल था कि भारत हमारा साथ देगा। हम तो इस किस्म की न्यूज भी डॉन वगैरह में भी आई थी कि पाकिस्तान को काफी उम्मीद है कि भारत की तरफ से कुछ पॉजिटिव साइन मिलेंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर जयशंकर भी होकर गए हैं और वो विजिट भी उनका अच्छा रहा है। लेकिन हम सिर्फ दूसरों पे ही ब्लेम लगाते रहेंगे या हम कभी अपने अंदर भी देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से हमें नहीं लिया जा रहा? वो देखिए ना जी, वो कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, कि आप पहले डिजर्व करें, आप में ऐसी खूबियां हों, आप ऐसे मेरिट्स हों कि दुनिया आपको किसी भी एक मल्टीलैटरल फोरम पे अपने साथ शामिल करना अपने लिए एक एजाज की बात समझे। तो आप में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपके खिलाफ तो यूएस कांग्रेस में आपके खिलाफ करारदादें मंजूर हो रही हैं, आपके हुकूमत के बारे में लेटर्स लिखे जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को, तो दुनिया आपसे खुश नहीं है। इवन चाइना जो है वो बज़ाहिर तो ठीक है, वो आए हैं यहाँ पे, सब कुछ हुआ है, लेकिन उनके भी खासी रिजर्वेशंस हैं अभी भी।
सऊदी अरेबिया का आप देख लें, कई दिन हो गए हैं, वो एक वफद यहाँ पे आया था और वो कोई 27 के करीब MOU साइन करके चले गए, वो उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई उसके बाद। चाइना की अपनी रिजर्वेशंस हैं। रशिया जो है वो भी हमारे साथ उसके कोई ऐसे तलकात नहीं है कि हम फख्र कर सकें। इंडिया के साथ तो हमारे तलकात आपको वैसे ही पता है कैसे हैं, और रहा साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से हमारे तलकात हुए ना हुए वो बराबरी है तकरीबन, वो कोई ऐसा नहीं है उसमें कोई चीज़। तो इन हालात में आप कहें जी कि आपको ब्रिक्स का मेंबर बना लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये आप कुछ ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, ज़्यादा की ख्वाहिश कर रहे हैं, आप अभी उस ख्वाहिश करने के अहल नहीं हुए। जी आरजू, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा, लेकिन बहरहाल ये बात हमें शायद समझ देर में आएगी, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उनको रिहा कराने के लिए या उनको जेल से बाहर लाने के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे चलता रहता है। अब अमेरिका की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही है, क्या इसमें इमरान खान की PR फर्म्स जो उन्होंने हायर कर रखी है, जो बताया जाता है, क्या उसका हाथ है या वाकई में वो ये डिजर्व करते हैं कि अब उन्हें बाहर आ जाना चाहिए? देखिए जी, दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो PTI का जो एक्सटर्नल विंग है, जो PTI के लोग अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, और वो वहाँ के जो मुख्तलिफ कह लें कि जो आवामी नुमाइंदे हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में भी वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं। यानी अमेरिका में अब देखें ना कि अभी कल जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 60 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एक लेटर लिखा है, और वो लेटर जो है वो उसमें तीन जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स हैं, क्रेग केसर, जिम मैकगवर्न और समर ली, उन्होंने स्पीयर हेड किया है। 60 से ज़्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स का लेटर गया है, और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया है कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, इमरान खान को नाजायज़ उन्होंने बंद किया हुआ है, और पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं इनको ख़त्म करे, और मतलब ये कि सैंक्शंस लगाई जाएं और वो लोग जो मुलविस हैं उन पे वीज़ा का बैन लगाया जाए। तो ये लेटर जो है ये कल भेजा गया है प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। तो इससे जाहिर हो रहा है कि जो PTI है वो मुतहर्रिक हैं। अच्छा, अब उससे कतई नज़र वैसे भी अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में बिला शुबा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। अभी देख लें, अभी ये जो 26वीं तरमीम जो मंजूर करवाई गई है उसमें बहुत से ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट थे जिनको उठा लिया गया, और उनको जिस वक्त वो वोट कास्ट करना था उस वक्त उनको बड़े पुरसरार अंदाज में चोर दरवाजे से वहां लाया गया, और उसकी जो वीडियो फुटेज है वो तो पूरी कौम ने देखी है, बल्कि उनमें से एक जो मेंबर हैं BNP के, उन्होंने तो कह भी दिया है, उन्होंने तो बयान भी दे दिया है कि उनको मजबूर किया गया था, फोर्स किया गया था, उनको ले गए थे, और उसके बाद फिर यानी ज़बरदस्ती की गई, फिर किसी के बेटे को उठा लिया गया, किसी की बीवी को, किसी के, और कुछ नहीं मिला तो कुत्ते को उठा के ले गए। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो चीज़ें जो हम सब जानते हैं। फिर जो PTI के लोगों के साथ किया गया है, जिस तरीके से उनको उठाया गया है, अगवा किया गया, बहुत से हमारे जानने वाले उसमें एंकर्स भी हैं, उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स बहुत से तो अभी भी अंदर हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनको जब छोड़ा गया तो उनका उनकी हालत बता रही थी कि कितना तशद्दद किया गया है उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि इसमें PTI की जो एक्सटर्नल विंग है वो भी इन्वॉल्व है, और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, ये हैं भी असल में, ये हुआ भी है ऐसे। तो वो अब अमेरिकन जो हैं वो अब उन्होंने लेटर लिखा है जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है, और उसमें बाकायदा तौर पे इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा किया गया है, बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई का भी मुतालबा है, और उसके अलावा उन्होंने
वाजे तौर पे उन्होंने कहा है, इससे पहले भी यानी जून में भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जो 368 लोगों के मुकाबले में 7 लोग थे, तो 368 लोगों ने कहा था कि जो इलेक्शंस हुए हैं फरवरी में, उन इलेक्शंस में इंटरवेंशन की गई यानी ताकतवर हलकों की तरफ से और रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया गया। जी लेकिन सर एक तरफ ये देखने में आ रहा है कि जैसे आप भी बता रहे हैं और लोगों ने भी देखा कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन लोगों से ज्यादा डरे हुए वो लोग नजर आ रहे हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं, जो उठा रहे हैं, जो लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, उनकी घबराहट खत्म होने में क्यों नहीं आ रही? देखिए जी, ये आपका ख्याल है, ये ठीक है, आपकी बात दुरुस्त भी है एक तरह से। वो ये है कि जब आप जुल्म और ज्यादती कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके जहन में ये भी होता है कि इसके कल को कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो जुल्म और ज्यादती तो हो रही है इस वक्त, यानी इस वक्त लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, उन पे झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। तो इमरान खान का ही आप देख लें, मैं इमरान खान का हामी नहीं हूँ, लेकिन आप देखें कि वो जो केसेस बनाए गए तोशा खाना के हवाले से, दो सजाएं तो वैसे ही सेट असाइड हो गई हैं, एक में सजा सस्पेंड हो गई है। अगर कोई उसमें वाकई सॉलिड कुछ उसमें सब्सटेंस होता तो वो कन्विक्शन हो जाती अब तक, तो वो कन्विक्शन तो नहीं हुई, तो केसेस बना लिए गए। इवन वो इद्दत का केस जो एक इंतहाई मजक्का खेज केस है, वो भी उनके सर डाल दिया गया। तो ये चीजें तो हो रही हैं ना इस वक्त मुल्क में, जो ताकतवर हलके हैं वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो बात ये है कि अब ये दुनिया को भी नजर आ रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है सब कुछ, तो खौफजदा इसलिए है कि कल को ये चीजें गले भी पड़ सकती हैं इनकी। तो जब आप खौफजदा होते हैं तो फिर आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं, और फिर कोई लॉजिक आपके पास नहीं होता, यानी आप नए नए कवानीन बनाएंगे। अभी इन्होंने जो ये बनाए हैं वो साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले से, वो पूरी एक एजेंसी बना दी है, ये नहीं सोचते ये लोग कि यार कल को जब हम इक्तदार में नहीं होंगे तो ये सारा कुछ हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर एक तरफ ये इस किस्म की हरकतें करते हैं, दूसरी तरफ आज भी न्यूज आ रही थी कि जी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में, वो दिखाया जा रहा था कि बड़ा कोई अमेरिकन के साथ इनकी बात की जा रही है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो बैठे हुए हैं। ये दो दो तरह की चीजें जो पाकिस्तान में चल रही होती है, एक तरफ कहते हैं बुरा हाल है और जाहिर है सिक्योरिटी वगैरह को देख के कौन आना पसंद करेगा, दूसरी तरफ कभी सऊदीज को कहते हैं वो आ रहे हैं, अब इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा था यानी अमेरिकन कंपनीज आ रही हैं इन्वेस्टमेंट करने। क्या वाकई में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान आना पसंद करेगी? मेरा तो ख्याल नहीं है जी, ऐसी बात है। अभी देखें ना, ये इनकी इनसिक्योरिटी का अंदाजा लगाएं, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है जिस अंदाज में और जिस तरीके से ये रातों रात ये मंजूर करवाई गई है, और इतना वो पैनिक था और वो बंदे उठाए हुए थे उससे पहले, फिर वो बंदों को वो बड़े पुरसरार अंदाज में वो लेके आए वहाँ पे असेंबली में, फिर वो रात 12 बजे से पहले वो इजलास ख़त्म किया गया और फिर 12 बजे के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया, और फिर वो जो इजलास था पहले उसके एजेंडे में 26वीं तरमीम आइनी तरमीम में लाने का जिक्र ही नहीं था। यानी आप देखें ना, एक बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ था इनके, यार जैसे को पीछे लगा हुआ हो और उनको कह रहा हो कि यार जल्द से जल्द ये करवाओ नहीं तो फिर हमारी छुट्टी करवा देंगे। तो वो अब ये सारा कुछ हुआ है, अब उसमें बहुत से अब मसाइल देखने में आ रहे हैं 26वीं आइनी तरमीम में, और उसके लिए हो सकता है इनको फिर 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़े, क्योंकि जो चीज़ जल्दबाजी में होती है और जो चीज़ इस तरह एक धौंस धांधली से की जाती है उसमें तो बहुत से फ्लॉज रह जाते हैं, और वो हैं उसके अंदर। तो ये इन हालात में, यानी इस वक्त आप ये देखिए कि इस वक्त पीटीआई भी पर तोल रही है एजिटेशन के लिए, वकील जो हैं वो बड़े नाला हैं, वो कह रहे हैं जी कि हम एजिटेशन करेंगे, मुल्क के अंदर खासी बेचैनी है और सब कुछ नजर आ रहा है लोगों को।
तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे सऊदी अरब हो, वो दिलचस्पी रखेंगे यहाँ पे आके एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो, आई डोंट थिंक सो। सर ये क्या करते हैं, पब्लिक को बहलाने के लिए, पब्लिक को एक जो हमारे यहाँ बोला जाता है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी महंगाई जो है वो कम हुई है। लोग तो नहीं कह रहे कि महंगाई कम हुई है, आप कुकिंग ऑयल देख लीजिए, आटा देख लीजिए, घी देख लीजिए, या कोई भी चीज देख लीजिए, उसकी प्राइस तो बढ़ी हुई है। इनको ये जो हुक्मरान है ये कौन सी मतलब क्या चीज पीते हैं जो इनको हर वक्त ये लगता है कि महंगाई कम हो गई है? पता नहीं जी, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि महंगाई कैसे कम हुई है। ये एक कुछ 4 लीटर का एक डब्बा, ये वर्जिन ऑयल का, ये ऑलिव ऑयल जो प्योर वर्जिन का, ये अभी कुछ अरसा पहले ये कोई 7,000 रुपये का ये आ जाता था, 7-8 हज़ार रुपये का, अभी वो 20,000 और 22,000 के दरमियान आ रहा है, 20,000 और 22,000। तो अब ये महंगाई कहाँ कम हुई है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल, इसी तरह और बेशुमार चीज़ें हैं, उनकी प्राइसेस में अब ड्राई फ्रूट, सर्दियां आ गई हैं, आप जरा जाए ना, जरा पता करें ड्राई फ्रूट किस भाव मिल रहा है। बिल्कुल, तो आप कहेंगे जी बेहतर है मैं ना खाऊं ये, यानी इतनी, और फिर हर चीज की प्राइस जो है वो इतनी बढ़ चुकी है, और ये कह रहे हैं कम हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ पे कम हुई है, क्या कम हुई है, क्या चीज कम हुई है, यानी इनका किस मयार के मुताबिक प्राइसेस कम हुई है। प्राइसेस कम तो नहीं हुई, महंगाई तो बढ़ी है और डबल डिजिट में है। ये गलत कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में है, ऐसी बात नहीं है, महंगाई ने तो जीना महाल किया हुआ है आम लोगों का। क्योंकि सर मीडिया तो पूरा कंट्रोल्ड है ना, पहले तो हम लोग इमरान खान के टाइम पे हम कोई 4-6 चैनल ऐसे थे जिनको हम कहते थे कि ये कंट्रोल्ड है या ये ऐसे हैं जिनको के डिक्टेशन दिया जाता है, अब तो सबका वही हाल है, पूरा का पूरा मीडिया 1 से लेके 10 तक या 100 तक जितने भी चैनल है आप जिसको देख लें वो एक तरह से गलत रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं, कोई भी सही सूरत हाल नहीं बता रहा। बिल्कुल ऐसा है जी, मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है, और अब ये फोकस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब देखें ना, ट्विटर तो इन्होंने वैसे ही बंद कर दिया है, बाकी जो है ये यूट्यूब है, फेसबुक है, अब उसके लिए बस ये लगे हुए हैं दिन रात के ऐसे कवानीन लेके आए और लोगों को राह रास्त पे लाया जाए, यानी वही बातें कहें जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है, यानी उसी रास्ते पे चलाना चाह रहे हैं। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो इन्होंने तकरीबन खत्म कर दिया है, इन्होंने मतलब ये अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं है, बाकी सबको रोकने के लिए तैयार नहीं, ये सिर्फ चाहते हैं कि बस इनकी तारीफें हों, तारीफों के पुल बांधे जाएं, और जो ये कह रहे हैं, जो इनकी पॉलिसी है, बस उसके मुताबिक बातें की जाएं, और उससे हट के तो ये बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। मगर सर दुनिया कैसे देख रही है, दुनिया तो समझ रही है ना आपके ख्याल से? दुनिया को बिल्कुल हर चीज नजर आ रही है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ताब है। अब आप देख लें, अभी वो एक वकील है, वो पंजौथा, वो गायब है, उसका आता पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पे है, उसको गायब किया हुआ है। तो ये हो रहा है यहाँ पे, मतलब लोगों को उठा लेना उनके घरों से, ख्वातीन को उठा लेना, थ्रेट्स देना, यहाँ तक हुआ है कि मुझे किसी ने बताया कि जनाब वो घर पे छापा मारा तो वो बंदा जो था वो नहीं मिला, वो MLA था, MPA था, तो वो उसकी बेटी की तस्वीरें उसको भेजी व्हाट्सएप पे, इसको उठा लेंगे तुम अगर पेश ना हुए, तब ये हरकतें जो हैं ये हो रही हैं। तो इससे ज़्यादा मतलब घटियापन क्या हो सकता है, आप खुद सोचें। तो ये सब कुछ हो रहा है और ये नज़र आ रहा है दुनिया को, ये हो रहा है। आप कहानी तो कहानियां सुने उन लोगों की जो के लापता हो गए थे और वापस आए हैं, बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यार ये सर, सारा जी। बिल्कुल सर, ये बड़ी गलत चीज पाकिस्तान में हमेशा से होती आई है जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन लापता होने से मुझे एक साहब का ख्याल आ रहा है कि वो भी कहीं लापता ही है जब से इस्लामाबाद आए, जाकिर नायक साहब का कुछ पता नहीं लग रहा सर कहाँ गए। जी जी जी, वो उनके यहाँ पे
दो दिन जलसे होने थे और बाकायदा वेन्यू भी एडवर्टाइज हो गया था, और वो था ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां पे उन्होंने जलसे करने थे। लेकिन वो फिर हुआ ये कि वो उन दिनों ये कुछ पीटीआई वाले भी कुछ प्लान कर रहे थे एजिटेशन का डी चौक में, तो वो फिर इन्होंने कहा जी ये ना हो कि यहाँ से जो मजमा है वो मजमा उस तरफ चल पड़े। गालिबन यही वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने उनको कह दिया जी कि नहीं आपका जलसा नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है वो कैंसिल हो गया। तो अब वो मेरा ख्याल है को 28 को तो वैसे ही उन्होंने चले जाना है, आज 25 हो गई आज जी बिल्कुल, दो दिन रह गए हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो 1000 किलोग्राम सामान है ना वो उसके ऊपर आज फोकस कर रहे होंगे कि वो वापस कैसे लेके जाना है, क्योंकि अब किराया दोबारा शायद देना पड़े। लेकिन सर मैं तो अपने शोज में कह चुकी हूँ और लेकिन मैं आपसे भी जरूर पूछूंगी कि पाकिस्तान जो है वो भारत के हवाले क्यों ना कर दे जाकिर नाइक को, थोड़े टर्म्स ही बेहतर हो जाएंगे, हमने क्या करना है। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये कि इनको यहाँ से इस्लामाबाद से पकड़े, और वो जो बेटा साथ आया हुआ है उसको भी, क्योंकि वो भी डेवल इन द मेकिंग है ना एक, इन दोनों को यहाँ से आप गाड़ी में बिठाएं और वाघा बॉर्डर तक ले जाएं, और वाघा से इनको आगे आप कर दें जी भारतीय शहरी हैं तो इनको लें आप संभालें, वो फिर बीएसएफ वाले वहां से ले लेंगे इनको। सर वांटेड है ना ये तो इनको तो मेरे ख्याल है भारत की गवर्नमेंट ले ही लेगी क्योंकि वांटेड में ये तो भागे हुए ना वहां से, वो ले लेगी। और मेरा ख्याल है कि उससे हमारे भारत से तलकात भी बेहतर हो जाएंगे, और हो सकता है कि भारत क्या दे के यार ठीक है ब्रिक्स में ले लें इन्हें ये अच्छे लोग हैं क्योंकि सर ये एक बड़ा सुनहरी मौका है, पूरा टाइम हमने गुजार लिया, अब हमें चाहिए कि वाघा बॉर्डर से भारत के हवाले कर दें। सीरियसली मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो भारत को चाहिए होते हैं और हमारे यहाँ से ही निकलते हैं तो वहां पे दे देंगे तो टर्म्स कुछ बेहतर होंगे। लेकिन हमने अचीव क्या किया जाकिर नाइक को बुलाकर? देखिए जी जाकिर नाइक को बुला के हमने बहुत कुछ अचीव किया है, हमारे जो नौजवान हैं हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उसको समझ आ गई है कि ये लोग कौन हैं, ये क्या हैं, इनके क्या थॉट्स हैं, और ये जब इनसे कोई सवाल तीखे सवाल किए जाएं तो ये किस तरह रिएक्ट करते हैं, और इनके नॉलेज का लेवल क्या है। ये सिर्फ रटेबाज किस्म के लोग हैं और ये बस चीज़ें याद करते हैं और आके ये उगल देते हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में तो अच्छा हुआ है कि ये लोग एक्सपोज हुए हैं, इनकी असलियत सामने आई है, लोगों को पता चला है कि ये कौन लोग हैं, यानी जिनका इतना नाम था तो ये तो पता चल गया ना कि कौन लोग हैं ये। तो वो जो एक इन्होंने अपना एक तिलस्म क्रिएट किया हुआ था, एक हवा बना हुआ था, एक नाम था, वो सारा कुछ बिल्कुल टूट टाट गया, वो बिल्कुल चूर चूर हो गया है। अब वो यहाँ से जब जाएंगे तो वो एक बिल्कुल कह लें कि एक बहुत ही एक शिकस्ता हालत में यहाँ से जाएंगे वो, और अब देखना ये है कि फिर वो मलेशिया जा के पाकिस्तान के बारे में कहते क्या हैं। जो स्टेट गेस्ट हैं जिनको हमने स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया, उनके असल ख्यालात उस वक्त पता चलेंगे पाकिस्तान के बारे में जब वो पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। सर वैसे तो पीआईए ने भी चीखें निकाल दी थी उनकी, बड़े वो अपसेट थे पीआईए ने, वो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने बकायदा तौर पे पीआईए के जो लोग थे उनके हवाले से उन्होंने फिर वो एक ट्विस्ट देना शुरू कर दिया बात। उन्होंने कहा जी मैंने असल बात बता दी ना तो वो पीआईए वाला जो है ना ऊपर उसकी नौकरी चली जाएगी, यानी वो अब एक बहुत ही घिनौना हथकंडा इस्तेमाल करने जा रहे थे। गालिबन वो मेरा ख्याल है कि वो कुछ इस तरह का इल्जाम लगाना चाह रहे थे जी कि उनसे पैसे मांगे गए हैं। सही, तो ये लोग जो है ना ये इनका तरीकेकार यही होता है कि ये फिर इस तरह से जब ये देखते हैं कि यार अब कोई हमारी बात जो है ना वो उसको अहमियत नहीं दी जा रही तो फिर ये घटिया हथकंडों पे आ जाते हैं। भई एक बंदे ने आपको ऑफर की है 50% डिस्काउंट की, और बहुत बड़ी बात है कि 50% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो आप 100% चाह रहे हैं, आप कमर्शियल एयरलाइंस पे 72 लाख रुपए का वेवर चाह रहे हैं, आप 7.2 मिलियन रुपीज
1000 केजी अगर आता है यानी कतर एयरवेज पे कुआलालंपुर से लेट से इस्लामाबाद, तो वो इनको नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं जी कि मैंने असल बात बता दी ना, तो वो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसकी नौकरी तो जब जाएगी तब जाएगी, फिलहाल तो इनकी नौकरी चली गई है। और ये जो पाकिस्तान आए हैं उससे ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद आने के बाद तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन हम कोश लेकिन सर हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो हम लोग मीडिया में हैं कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट को इस तरफ लेके जाएं कि इनको जो है वो भारत के हवाले कर दिया जाए 28 को। अगर भारत के हवाले नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है एक और किया जा सकता है कि इन्हें एज गेस्ट अर्जू काजमी के प्रोग्राम में बुलाया जाए, तो मेरा ख्याल है। मैंने तो सर चैलेंज दिया हुआ है, मैंने तो उनको कहा है कि सिर्फ 5 सवाल पूछूंगी आ जाए, लेकिन अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है, लेकिन आई विश के ज्वाइन कर लेते तो अच्छा था, लेकिन पाकिस्तानियों ने बहुत हार्ड टाइम दिया है, बहुत बहुत। मैं कहता हूँ कि आफरीन है हमारे नौजवानों पे और जिन्होंने इनको बिल्कुल एक तरह से ना नंगा कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा वो जैसे कपड़े पुराने जमाने में नहीं वो देखते कि पटक पटक के जो धोते थे, ऐसे पटक पटक इनको धोया गया, धोया गया इनको, एग्जैक्टली इनको धोया गया बाकायदा पाकिस्तान में। और इनकी जो झंझलाहट और गुस्सा है और ये जो थ्रेट्स करते रहे हैं, ये इसी का नतीजा है कि इनको धोया बहुत गया, कराची में धोया गया, लाहौर में धोया गया, इस्लामाबाद में वैसे इनको कह दिया गया जी काफी हो गया अब। बिल्कुल अंडरग्राउंड है इस्लामाबाद में, तो दिखाई नहीं, तो कोई बात ही नहीं पता लग रही कि गए तो किधर गए, ढूंढना चाहिए कि ये हैं कहाँ, इनको ढूंढना चाहिए इस वक्त ये हैं कहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल गायब हो गए हैं, ये बिल्कुल मंजर आम से हट गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आप भी अपनी सोर्सेज से पता कीजिएगा, मैं भी चेक करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये गए तो कहाँ गए, आखिर जाकिर नाइक कहाँ है, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया जी। अगर एक इश्तिहार दे दिया जाए वांटेड और इनकी तस्वीर को और नीचे लिख दिया जाए इतने पैसे इनाम मिलेंगे जो इनका आता पता बताएगा, तो फिर हो सकता है। मतलब जाने से एक वीक पहले से ये गायब है, बिल्कुल स्क्रीन से उड़ गए, ऐसा ही है। इस चीज पे तो यकीनन पाकिस्तानी जो है उनको जरूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसा काम किया जिसमें भारत से भी तारीफें हो रही हैं, आपको पता है हर कोई तारीफ कर रहा है, ऐसा एक बार हुआ है, बहुत खुश है। अपने इंडियन दोस्तों को मैंने कहा आपने बहुत सर पे चढ़ाया हुआ था इस बंदे को और आप वो कुछ नहीं कर सके जो चंद दिनों में हम पाकिस्तानियों ने कर दिखाया। ऐसा ही है, अब उनको चाहिए इस तरह के लोगों को बाहर निकालें और हम उन्हें इनवाइट करना शुरू करें और फिर ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली उनको कुछ तो सफाई होगी सोसाइटी की, ऐसे कुछ कंट्रीब्यूशन जाए हमारी तरफ से भी। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।